और खबरों की शुरुआत करेंगे सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत से। एबीपी गंगा पर ऊर्जा मंत्री एके शर्मा एक्सक्लूसिव रहे, जहां बिजली संकट पर पहली बार ऊर्जा मंत्री एके शर्मा बोले हैं। बिजली संकट पर ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। बिजली संकट की हर वजह का एबीपी गंगा पर खुलासा हुआ है। यूपी में जल्द ही बहाल होगी बिजली, एके शर्मा ने ये कहा है। सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत में एके शर्मा ने ये बात कही है कि जल्द ही यूपी में बहाल होगी बिजली, कि ये बातचीत भी अब आपको सुनवाते हैं। सर, ऊर्जा विभाग आपके पास है, बिजली को लेकर तमाम बातें आ रही हैं, इसको कब तक दुरुस्त करा लेंगे जो बेपटरी हुई है? ऊर्जा विभाग में कोई बेपटरी नहीं हुई है। दुर्भाग्यवश लगभग 2-3 सप्ताह पहले हमारे 3 ऊर्जा संयंत्र क्षतिग्रस्त हो गए। ये बात हमने पहले कहीं बताई नहीं। वो एक 12 में था, 660 मेगावाट का, आज हमने उस बात को ट्वीट भी किया है। मेजा में था और हरदुआगंज में था। 660 की 3 इकाइयाँ क्षतिग्रस्त हो गई, उनके बॉयलर में लीकेज हो गया और बॉयलर जो है वो लगभग 1500 डिग्री 2000 डिग्री के तापमान पे काम करता है, तो जब तक वो ठंडा नहीं होता तब तक उसकी रिपेयरिंग भी संभव नहीं है। इस चक्कर में कुछ समय निकल गया, कुछ दिन निकल गए और कुछ छोटी मोटी और भी दुर्घटनाएँ हुई। जैसे हरदुआगंज में एक तो बॉयलर उनका क्षतिग्रस्त हुआ और दूसरा जो बचा था 605 मेगावाट की, वो आंधी आने से क्षतिग्रस्त हो गई उसकी वो यूनिट। तो इस तरह से कुछ ऐसे संयोग बने तकनीकी और प्राकृतिक कि हमारी लगभग 1/3 उत्पादन क्षमता राज्य की, जो कुल क्षमता की 1/3 प्रभावित हो गई और बंद हो गई। उसके बावजूद हमने बहुत स्थिरता के साथ अपने लोगों को, जनता को, राज्य की जनता को कम से कम तकलीफ पड़े उसका कम से कम अनुभव हो उस समस्या का, उस प्रकार से काम करते हुए हमने विद्युत आपूर्ति जितना हो सका है उतना करने की कोशिश की है। रोज़ हम उन जो बाकी बंद पड़े संयंत्र हैं उनको चालू कर रहे हैं। आज हरदुआगंज चालू हो गया और आने वाले दिनों में बाकी भी 12 चालू हो गया, हरदुआगंज अब चालू हो जाएगा और मेजा भी चालू हो जाएगा। इस तरह से हम करते जा रहे हैं। जो आंधी के चलते जो क्षतिग्रस्त हुआ था हरदुआगंज का 605 मेगावाट का, वो तो ऑलरेडी चालू कर दिया गया है। तो इस तरह से हम करते जा रहे हैं। बीच में कुछ ऐसे भी आपने देखे होंगे कि अनुभव आए कि टूटे हुए तारों, लटकते हुए तारों के चलते या झूलते हुए तारों के चलते जब हवा चलती है, आंधी आती है तो आपस में टकराते हैं, उनके चलते भी एक्सीडेंट होता है। तो उन तारों के चलते ऐसा न हो, ऐसे एक्सीडेंट न हो, उसमें भी हमने मोबाइल रिपेयरिंग के लिए मोबाइल टीमें हमने लगा दिया है, वो भी अपना काम कर रही हैं। तो इन सारे स्तरों पे एक तो तकनीकी और प्राकृतिक कारणों से जो हमारे उत्पादन बंद हो गया था उनको शुरू करना, जो क्षमता वृद्धि है उसे करना और जो जहाँ एक्सीडेंट हो रहे थे या होने की संभावनाएँ हैं उनका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना, उनका स्थिरीकरण करना, व्यवस्थित करना, ये सारे फ्रंट पे हम काम कर रहे हैं। रात दिन हमारे बिजली कर्मचारी इस काम में लगे हुए हैं। मैं उनको शाबाशी देता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि जनता की सेवा में वो रात दिन लगे हैं। समस्या जनता की जो कठिनाई है वो कम होगी, कम से कम उनको सहन करना पड़ेगा और आने वाले कुछ ही दिनों में परिस्थिति एकदम सामान्य हो जाएगी, यानी रोस्टर के अनुसार बिजली मिलने लगेगी। मिलने लगेगी जी। तो बिल्कुल तकनीकी खराबी और कुछ और खराबियों के चलते विद्युत व्यवस्था में गड़बड़ी होने की बात ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने स्वीकार की और उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में जो बिजली बेपटरी हुई है वो कहीं ना कहीं लाइन पर आएगी और उसका तेजी से दुरुस्तीकरण कराया जाएगा। सीतापुर से एबीपी गंगा के लिए पंकज सिंह गौर।